ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक हम डाइपोल की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे, उसी की बात कर रहे थे। अब हमने क्या लिया कि एक्सटर्नल फील्ड है आपके पास, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हमने डाइपोल रख दिया, तो वो डाइपोल कैसे बिहेव करने वाला है, कैसे उसके ऊपर फोर्स लगेंगे, कैसे उसके ऊपर टॉर्क जनरेट होगा, इसकी हमको बात करनी है आज। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार तो मान लेता हूं यूनिफॉर्म, और एक बार फिर हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म का केस। ओके, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने डाइपोल को रख दिया है एक्सटर्नल फील्ड में। तो एक बार मैं फील्ड बनाता हूं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना लिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और ये इसकी डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट इसकी डायरेक्शन है हमारे पास। और अब इसके अंदर एक डाइपोल हम रख लेते हैं, किसी भी डायरेक्शन के ऊपर रख लेंगे डाइपोल को। तो ये हमारा डाइपोल है, डाइपोल की भी एक डायरेक्शन होती है आपको पता है। तो यहां पे मैं अपना माइनस क्यू चार्ज मान लेता हूं और यहां मैंने माना अपना प्लस क्यू चार्ज, और डाइपोल की जो लेंथ होती है 2a, उसको हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं 2a को। ये हमारी लेंथ हो गई डाइपोल लेंथ, यहां से यहां तक की। तो इस डाइपोल को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इसके ऊपर हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं फोर्स, नेट फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अब तक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, और यहां से अगर मैं फोर्स निकाल लेता हूं तो क्या आएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यही हुआ ना कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप क्यू चार्ज को लेके जाते हो, किसी भी चार्ज को लेके जाते हो, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट होता है। तो ये भी एक चार्ज है और ये भी एक चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आए हुए हैं, तो इनके ऊपर फोर्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं तो नेट फोर्स निकालना चाहता हूं इस पूरे सिस्टम के ऊपर, तो टोटल फोर्स हमको देखना है। तो मैंने क्या देखा, यहां पे फोर्स कितना लगता है, देखो पॉजिटिव चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना के देखो, जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और एक और पॉजिटिव चार्ज आपने यहाँ पे ले लिया, ये क्यू चार्ज, ये आपका कैपिटल क्यू है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक टाइप से फोर्स ही होता है, फोर्स। ओके, तो अब क्या हुआ, देखो इसके ऊपर कहाँ फोर्स लगेगा भाई, ये पॉजिटिव, तो इसको रिपेल ही कर रहा है ये। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ की तरफ होगा, ये दूर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इसको फोर्स लगता है। अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज मान के चलता हूं, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा है और यहां मैं एक माइनस क्यू चार्ज लेके आता हूं, तो माइनस को क्या करना स्टार्ट कर देगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है। ओके, और माइनस चार्ज ये हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट फोर्स लगता है हमेशा। ठीक है, तो इसके ऊपर लगेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। तो ये एक फोर्स लग गया यहां पे, ये फोर्स मैं देख लेता हूं कितना लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज कितना है क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, जो कि आपने मान रखा है। ठीक है, यहां देखते हैं ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगना है, तो फोर्स लगेगा यहां कितना लगेगा निकाल लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना, ये चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, तो चार्ज टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना, यहां भी ई है, यहां भी ई, यहां यहां हर जगह पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां एक फोर्स आया क्यू ई, यहां भी सेम ही आपका फोर्स है क्यू ई। तो आप देखो इन दोनों की डायरेक्शन इक्वलेंट अपोजिट है, तो पूरे सिस्टम पे दो ही फोर्स काम करते हैं आपके, ये आपका पूरा सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान लिया मैंने, या फिर सेंटर ऑफ चार्ज, जो भी आपको बोलना है, पूरे सिस्टम का सेंटर। तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस तरफ जो कि क्यू टाइम्स ई है, और एक लग रहा है इस तरफ जो कि क्यू टाइम्स ई है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? जीरो। तो कोई फोर्स वहां पे नहीं होता है, जीरो फोर्स हो जाता है, क्योंकि सारे ही फोर्स जो दो के दो फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। लेकिन एक बात यहां पे है कि ये फोर्स तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन मैं देख सकता हूं कि ये वाला फोर्स यहां लगेगा और ये वाला फोर्स यहां लगेगा। तो मान लेते हैं ये अपना डाइपोल है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको रोटेट जरूर करवा सकते हैं। तो एक टॉर्क का काम यहाँ पे पक्का होगा, ये फोर्स टॉर्क बनाएगा एक। तो इस टॉर्क को देखना चाहते हैं अब हम, टॉर्क ऑन डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी कैसा है आपका? यूनिफॉर्म ही है। और टॉर्क मैं देखना चाहता हूं, टॉर्क को टाउ सिंबल से हम डिनोट करते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है वैसे? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, आइदर ऑफ द फोर्स, दोनों में से कोई भी फोर्स, ये वाला या फिर ये वाला, कपल ऑफ फोर्स से आपका एक टॉर्क बनता है, दो फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से आपका टॉर्क बनता है, ठीक है। और हर बार टॉर्क नहीं बनता है, कहीं भी दो फोर्स लगेंगे तो ऐसे ही नहीं टॉर्क बन जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूं एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे फोर्स लगा ये, इस पॉइंट पे फोर्स लग गया ये, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है अपनी ये, ओके। और एक और सिचुएशन बनाते हैं, एक पॉइंट है आपका ये, एक पॉइंट है ये, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये, और एक फोर्स काम करता है यहां पे, एक फोर्स काम करता है यहां पे। तो कौन से केस में टॉर्क बनेगा, कौन से में नहीं बनेगा, ये देखना है हमको। तो देखो, जो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन होती है ना, या फिर दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है, अगर आपके फोर्स भी उसी लाइन के अलोंग हैं, उसी लाइन के पैरेलल हैं, तो आपका टॉर्क नहीं बनता है, समझ रहे हो आप। और अगर आपके दोनों के दोनों फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, उस लाइन के अलोंग नहीं है जो उन दोनों पॉइंट को मिला रही है, तो हमारा टॉर्क बनेगा, पक्का बनेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा बोलते हैं कि यहां पे फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो फोर्स आपका वो लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल लग रहा है, ये जो फोर्सेस हैं वो लाइन ऑफ एक्शन इनका अलग है, ठीक है ना। तो ये लाइन अलग है और इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, ये वाला और ये वाला, तो इस पैरेलल लाइन के अलोंग लग रहे हैं, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इसी लाइन के अलोंग लग रहे हैं, ठीक है। तो इनका लाइन ऑफ एक्शन एक जैसा है, इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए जब लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होगा तो आपका टॉर्क बनेगा, अगर एक जैसा ही है तो टॉर्क नहीं बनता है। तो यहां तो टॉर्क बनेगा ना, यहां टॉर्क पक्का बनेगा, ये फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये है, तो आपके फोर्सेस इसी लाइन के अलोंग तो नहीं है, तो इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसीलिए टॉर्क बनेगा। यहां पे कितना बनेगा ये हमको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देखनी है, एक फोर्स आपका ये है, एक फोर्स ये है, तो ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है, ठीक है। यहां देख लेते हैं, सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे पहले हमको एंगल वगैरह की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो एंगल भी देख ही लेते हैं हमारे। देखो यहां पे एक वेक्टर है आपका माइनस क्यू चार्ज से लेके प्लस क्यू चार्ज तक, एक वेक्टर है आपका इस तरफ, पी वेक्टर जिसको हम बोलते हैं। ये पी क्या होता है? पी होता है डाइपोल मोमेंट, जो कि फॉर्मूला जिसका 2aq हम पढ़ चुके हैं, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है हमारा ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको दिखाई दे रहा है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच में एक एंगल बना हुआ है, थीटा एंगल। ये आप इसको ऐसे के बजाय डाइपोल को ऐसे भी रख सकते थे, ये एंगल बार बार चेंज हो सकता है, और ये एंगल अगर चेंज होगा आपका, तो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली भी चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर ये फोर्स, अगर ये डाइपोल ऐसा रखा है आपका, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल बना हुआ है, डाइपोल अगर ऐसे रखा है, तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो इस एंगल की भी बात हमको करनी है, यहाँ पे एंगल के ऊपर भी डिपेंडेंट है ये टॉर्क, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे बार बार बदलती है, ठीक है। तो फोर्स कितना है? फोर्स तो कोई भी ले लेते हो आप, तो Q टाइम्स E है दोनों ही फोर्स, ये भी और ये भी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता नहीं है हमको, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं नाम दे सकता हूं एक
ए बी, ये ए बी आपको निकालनी है। तो आप देखो यहां से यहां तक की जो ये लेंथ है, यहां से यहां, ये तो डाइपोल लेंथ है आपकी, और ये है टू ए, तो ये टू ए है, तो टू ए का ये वाला कंपोनेंट कितना भाई, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कितना लेते हो आप, हमेशा एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा के साथ कंबाइन कर देते हो, तो ये टू ए है, तो नीचे वाला टू ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला क्या बनेगा, टू ए साइन थीटा, तो ये टू ए साइन थीटा, तो ये भी टू ए साइन थीटा, तो ये आपका आ चुका है टू टाइम्स ए टाइम्स साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप टू ए साइन थीटा लिख दोगे। टू ए क्यू क्या बन गया हमारा, पी बन गया, तो यहां से ये बना हमारा टॉर्क, इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, और इसको आपको पता है, आप इसको लिख सकते हो पी क्रॉस ई, अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्मूला बन गया। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से बनता है, तो जो भी क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट से बनेगी उसकी एक डायरेक्शन आएगी ही आएगी। अगर मुझे इस टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड थंब रूल या फिर आपका स्क्रू रूल भी होता है एक, ये वाला यूज कर सकते हो। क्या कहता है ये कहता है कि ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी की तरफ जाना है, अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना है तो आपको बी से ए की तरफ आना होता है। कैसे आना है, यहां पे पी क्रॉस ई निकालना है, तो पी वेक्टर देख लो आपका, ये रहा पी वेक्टर, तो पी वेक्टर पे अपना अपनी जो उंगलियों की कर्ल है उसको ऐसे करना है, और उंगलियों की कर्ल को ई की तरफ लेके जाना है, ये हमारा ई वेक्टर है, तो पी से ई की तरफ हम जाएंगे अगर, तो हमारा थंब राइट हैंड का जो थंब है, जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने वाला है, वही डायरेक्शन इस टॉर्क के निकलने वाली है। तो अगर इस केस में लिया जाएगा तो पी क्रॉस ई इनसाइड द बोर्ड आने वाला है, तो इस केस में, इन दिस केस डायरेक्शन की कौन सी आने वाली है, इनसाइड द बोर्ड, तो ये हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन कर लिया, कब, जब हमारा डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, फोर्स देखा जीरो आया, टॉर्क देखा पीई साइन थीटा आया है। ओके, अब हम मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क की भी बात कर सकते हैं यहीं पे, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, फॉर्मूला अलग से लिख लेते हैं हम, टॉर्क आया था पी ई साइन थीटा, और मैं निकालना चाहता हूं टॉर्क मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी ई साइन थीटा, इस वाली टर्म को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा, और आपको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 ही हो सकती है, तो यहां पे +1 करना है आपको, तो साइन थीटा को +1 करना है, तो इसका मतलब आप इसको sin 90 कर दो, sin 90 कर दो इसको, थीटा को 90 कर दो आप, तो थीटा को 90 करने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो आपका डाइपोल है वो ऐसे कुछ रखा हुआ है, यहाँ -Q चार्ज, यहाँ आपका +Q चार्ज, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर आपका ये ऊपर की तरफ बन गया पी वेक्टर आपका, तो P वेक्टर में और E वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो इस केस में आपका मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, क्योंकि क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे ये फोर्स लगेगा, मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बनने वाली है। ओके, मिनिमम का केस क्या होगा, तो कम से कम टॉर्क कितना लगेगा, लगे ही ना, वही होगा मिनिमम, तो टॉर्क मिनिमम को हमको कितना कर देना है, जीरो, मतलब पीई साइन थीटा को जीरो कर देना है, पी जीरो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा है, तो साइन थीटा ही आपका जीरो निकल के आएगा, और साइन जीरो कब होगा, जब हमारा थीटा कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा डाइपोल, ये पी, ये एरो में लगा रहा हूं, तो आप समझ जाना यहाँ पे -चार्ज है, यहाँ पे +चार्ज होगा, डाइपोल मोमेंट के वेक्टर को मैं शो कर रहा हूं,
तो एंगल देखना ई में और पी में जीरो ही तो है, पैरेलल आया है, तो इस केस में कोई टॉर्क नहीं लगेगा क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स यहां लगेगा, नेगेटिव के ऊपर फोर्स यहां लगेगा, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स है, तो लाइन ऑफ एक्शन एक जैसा हो गया, और जब लाइन ऑफ एक्शन एक जैसा रहेगा तो टॉर्क नहीं लगता है, तो मिनिमम टॉर्क कितना जीरो। अब हम बात करेंगे डाइपोल की ही, लेकिन डाइपोल अब की बार यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नॉन यूनिफॉर्म को बनाने के लिए देखो वैसे तो सिंपल सा डायग्राम ये बनेगा, मान लेते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है आपका, और मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी में बताया था कि क्लोजनेस ऑफ लाइंस स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। तो अगर यहां देखोगे आप तो यहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे लाइन क्लोज क्लोज है, तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं लिख सकता हूं इस डायरेक्शन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है आपका। ओके, इसके अंदर मैंने अपना डाइपोल रख दिया, ये है अपना डाइपोल, यहां पे माइनस क्यू चार्ज, यहां पे हमारा प्लस क्यू चार्ज। ओके, अब फोर्स देख लेते हैं, फोर्स इसके ऊपर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इसी तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स लगता कितना है, फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी तो पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। तो चार्ज कितना है, चार्ज है आपका क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वन मान लेता हूं मैं यहां पे, क्योंकि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो यहां पे ई वन मान लिया, ई वन। ओके, यहां फोर्स कैसा लगेगा, कुछ ऐसा लगने वाला है फोर्स आपका, और हमने देखा कि यहां पे जो फोर्स लगेगा एफ, इसको वन नाम दे दिया, एफ टू यहां पे है, तो चार्ज कितना है क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का ई टू मान लो आप, ई टू ये मान लिया, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज तो दोनों फोर्सेस में सेम है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन जो है आपका ग्रेटर है ई टू से, दोनों तरफ मैंने क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्यू ई वन ग्रेटर क्यू ई टू से, और क्यू ई वन क्या होता है, ये F1 है आपका, F1 greater than F2, और अगर मैं नेट F निकालता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी है तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और मैं सिंपल केस की ही बात कर रहा हूं, जब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो मैं नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए F1 में से F2 को माइनस कर देता हूं, क्योंकि F1 greater है, तो F net is equal to F1 minus F2, this is equal to Q E1 minus E2, तो एक नेट फोर्स आया है आपकी बार, जीरो नहीं आया है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका जो फोर्स है वो जीरो नहीं होता है। अगर हम टॉर्क की भी बात करेंगे वो भी कैसा निकल के आएगा, नॉन जीरो ही निकल के आने वाला है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका डाइपोल रखा हुआ है, एक्सटर्नल फील्ड है ये, तो आपका फोर्स क्या होगा, तो फोर्स होगा नॉन जीरो, टॉर्क क्या होगा नॉन जीरो, अगर यूनिफॉर्म होगा तो आपका फोर्स क्या होगा जीरो, टॉर्क क्या होगा नॉन जीरो, टॉर्क लगा था ना पी साइन थीटा यहां पे। ओके, थैंक यू।